देखिए गॉस थ्योरम में सबसे पहली चीज आती है, मतलब एक तो होता है ना कि गॉस थ्योरम शुरू करने के पहले जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है, जैसे कोई पिक्चर होती है ना तो शुरुआत में बैकग्राउंड उसमें जो म्यूजिक बजती है उसमें घोड़ा दिखाते हैं, तो आप एक आइडिया लगा ले जाते हो कि उसमें घोड़ा होगा, है ना। टकैत दिखाते हैं, ट्रेन दिखाते हैं, फिर इसके बाद शुरू होता है निर्मावासी बॉर्डर एडवर्टीजमेंट आता है, तब जाके पिक्चर स्टार्ट होती है, तो वो एडवर्टीजमेंट हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कि एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो जनरली अभी तक हम पढ़ते हैं कि एरिया की एक वैल्यू होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चीन है एरिया की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, देखिए अब आपका एग्जाम्पल तो किसी में वेक्टर आप चढ़ा दीजिए, आपको डिस्टेंस इधर की ओर दूरी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। किसी भी सरफेस, ये माने एक सरफेस है और इस सरफेस का एरिया ए है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया का वो इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है, अभी प्रूफ भी हो जाएगा एरिया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे ए कैप, आप जानते हैं कहीं भी यूनिट वेक्टर अगर आप दिखाते हैं तो कैप लगा देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू देंगे कैसे, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कह रहे भाई कैसे हम माने एक वेक्टर क्वांटिटी है, या हम निकालेंगे कैसे, तो आप करेंगे क्या, कोई भी सरफेस होगा, किसी भी प्रकार का सरफेस है, उत्प्लावक सरफेस भी हो सकता है ना भाई, एक रेगुलर शेप का सरफेस होता है जिसकी एरिया हम जानते हैं, एक इरेगुलर शेप होता है, तो हम क्या करेंगे उसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो एज्यूम करेंगे। आप याद करिए क्लास 11th में एक क्रॉस प्रोडक्ट हुआ करता था ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, उसमें एक चीज आप इंटू करते थे उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, किसे इंटू करते थे, एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एन बी बोथ, याद है। तो यहां पे हम जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, एन कैप, ठीक है। और अगर इस सरफेस का एरिया हम डीएस मान, मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी जो वैल्यू है डीएस है, तो डीएस का मल्टीप्लाई जब हम एन कैप से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डीएस वेक्टर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे शो करेंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको चाहे आपको जबरदस्ती समझाया गया है और चाहे आपको समझाया गया है, जो भी आप, इसमें कोई एक सरफेस रख दिया, ठीक है, एक सरफेस रख दिया हमने ऐसे, एक सरफेस हमने ऐसे रख दिया। अब हमने कहा ये बताओ इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रही है, तो आपने काउंट कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 लाइन्स पास हो रही, ठीक है। अब इस सरफेस को मोड़ना शुरू करो, आप इस सरफेस को घुमा के ऐसे रख दो, थोड़ा सा टेढ़ा रख दो, तो नंबर ऑफ लाइन्स कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस सरफेस को घुमा के ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, मतलब ऐसे रखो ऐसे, तो उसका एक लाइन ना पास हो, यानी ये सरफेस केवल अपनी एरिया को डायरेक्शन को बदलता रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इससे पास होनी और चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन बदलने से, सरफेस ने अपने सरफेस की डायरेक्शन को बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स कम ज्यादा हो गई। इस कंसेप्ट को लेकर के माना गया कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। याद करिए 11th क्लास में वहां पर जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है फॉर्मूला क्या बताया गया, बोले ये तो बड़ा पुराना आपने पूछ लिया, क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, मतलब मैं बात एरिया वेक्टर की कर रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहे, बेस इंटू हाइट तो होता ही होता है। आपको याद होगा ये बताया गया था पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ए क्रॉस बी, तब एरिया निकलता था, याद है। और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में ए है उधर अपनी दाएं हाथ की हथेली को ऐसे फैलाइए, और जिस डायरेक्शन में बी है उधर अपनी उंगली ऐसे मोड़िए, तो ये डायरेक्शन किधर होगी, इसके नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस प्रकार से एरिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये गॉस थ्योरम का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ठीक, नोट करिए।
नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करो. एक तो प्लेन एंगल आपने पढ़ा है, प्लेन एंगल पढ़ा है ना. एंगल की डेफिनेशन क्या बताएगी, कोई भी सरफेस का आर्क, मैं एंगल की बात कर रहा हूं, सॉलिड उसमें नहीं लगा हुआ है, कोई भी सरफेस का आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, यानी एंगल कहते हैं, प्लेन नहीं वर्ड यूज करते. ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो उसको कहा था प्लेन ट्रिग्नोमेट्री. टू डायमेंशन की हम बात करते हैं, थ्री डायमेंशन भी होती है लेकिन आप लोगों को सिलेबस से हटा देंगे. ठीक है, और ये इसका आर्क है, ये इसका रेडियस है, तो आपने पढ़ा आर्क अपान रेडियस को हम कहते हैं एंगल. एक्चुअली इसकी कोई यूनिट होती नहीं, क्योंकि आर्क मीटर, रेडियस मीटर, मीटर में पर मीटर नो यूनिट, तो इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट दे दी गई, इसको आपने पढ़ा क्या, रेडियन, याद आया. तो ये तो प्लेन एंगल की हमने डेफिनेशन पढ़ी. सॉलिड एंगल क्या, देखिए कोई भी सरफेस, कोई भी सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल सेपरेट करता, सरफेस की बात हो रही, जैसे ये हमारी खोपड़ी है, ठीक है, अब ये खोपड़ी टाइप लग रही है ना, और इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहां से और यहां से, और जो आपका ऊपर खोपड़ी का पार्ट होगा वहां से इसको मिला देंगे, बहुत कई जगह से इसको मिलाएंगे. ठीक है, ये पूरा सॉलिड एंगल, ठीक, मतलब पूरी बॉडी, ये जो पूरी बॉडी हमारी आंख जो एंगल बना रही है, इसके हर एक पॉइंट से लाइने खींचिए और लाइन खींच के एक जगह जाके कंस मिला दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल. कोई भी सरफेस, जैसे आप किसी साहब ने कहा आप बॉडी मोटी लग रही हो, मतलब मोटी थोड़े लग रहे हैं, बिकॉज एंगल सबटेंडेड माय बॉडी ऑन योर आई इज मोर, दैट्स व्हाई आई लुक सेल्फ. दूर से देखो, अब आप पुल पे जाइए और पुल से नीचे देखिए, गंगा जी के पुल पे जाइए आप ट्रेन से, और नीचे आदमी को देखिए छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्यों छोटे हैं, वो भी तो बड़े होंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो आपके आंख पर एंगल सबटेंड हुआ वो कैसा है, छोटा है. तो जैसे कोई सरफेस वाले ऐसे आप बना दो, सरफेस ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे सरफेस बना दो, अब इस पॉइंट पे सब पॉइंट से इसको मिला दो ऐसे, ये पूरा एंगल क्या होगा, इसको टू डायमेंशनल समझिएगा, मतलब ये ऐसे आकर के, ये एंगल ऐसे आकर मिल रहा है, इसको थ्री डायमेंशनल समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा वो चना वना बेचने वाला लैया वाला होता है, एक उसमें रखता है, एक थाली है ना, तो चारों तरफ देखिए तो ऐसे आके वो मिलता है पॉइंट, वो क्या कहलाता है, सॉलिड. तो कोई भी सरफेस किसी पॉइंट, सरफेस की बात हो रही है, किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं. प्रैक्टिकली समझिएगा, ये फुटबॉल है, फुटबॉल पूरे तो स्फीयर टाइप का है, ये सर्कल नहीं है, उसमें बहुत सारे पैचेस होते हैं. अगर हम उसका एक पैच ले लें इस प्रकार से, और इस पैच का एरिया क्या मान लें, डेल्टा है, तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो हमारी आंख पे कुछ एंगल बनाएगा. तो हमने कहा हमारी आंख कहां पर है, सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट कर रहा है, कितना कर रहा है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं डेल्टा ओमेगा. अगर इसकी रेडियस आर है तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर. ठीक है, वैसे तो किसी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा ए की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर. लेकिन इसको भी कोई यूनिट देनी पड़ेगी, एंगल को यूनिट क्या दी गई, रेडियन. पीछे ये भी गए होंगे यूनिट मांगने के लिए, लाइन में लगे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, इनसे कहा गया यू स्टे, ये रेडियन, रेडियन उसको बताया गया होगा, इनसे स्टे करने के लिए कहा गया होगा. ये दौड़ के अपनी अम्मा के पास आए, बोले हमको रेडियन क्या दिया गया, यूनिट क्या दिया गया, स्टे रेडियन. इसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन. ठीक है, आप जरा इसको दो तरीके से समझिएगा, ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन है. अब जरा समझिएगा एक नोट, नोट नंबर वन, हमने कहा ये फुटबॉल जो कि आप स्फीयर ले रहे हो, इसका छोटा सा सरफेस आपकी यानी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो सॉलिड एंगल. अगर हम कहें कि पूरा का पूरा फुटबॉल, होल फुटबॉल, होल स्फीयर
सेंटर पे कितना गिन रहा है। तो अगर हम कहें सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल स्फीयर, होल स्फीयर एट द सेंटर, इस पूरे स्फीयर द्वारा सेंटर पे कितना गिनवाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया ले लेंगे आप। तो स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है, 4πr2। ओमेगा इज इक्वल टू 4πr2/r2। ये क्या हो जाएगा 4π। आपको याद करिए, हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में जा घूम रहा है, तो पूरा एंगल हमने क्या लिया था वहां 4π, यही 4π। सुन रही बात, नोट करिए जरा, समझिएगा। अगर हम ये सरफेस ले लें, इधर देखिए, ये सरफेस नॉर्मली आपके आंख के सामने रख रहे हैं नॉर्मली, तो ये आपके ये पूरा जो सरफेस है ना, ऐसे ले लें भूसा ले लें, ये आपकी आंख पे कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी पॉइंट से ऐसे लाइन लेनी पड़ेगी और जाके ऐसे जाके मिला देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी सरफेस नॉर्मली हमने ऐसे रखा हुआ है। तो दूसरी बात है, अगर कोई सरफेस, इफ अ सरफेस इज नॉर्मल टू अ पॉइंट, सरफेस इज नॉर्मल टू अ पॉइंट, देन जरा समझिएगा, ये एक सरफेस है, ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, और इसके सेंटर से नॉर्मली एक पॉइंट है, यहां पर आपको सॉलिड एंगल आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन मिला देंगे, एक यहां से मिला देंगे। एक्चुअली ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो पॉइंट तो यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, कहीं जगह मिलेगा ना, लेकिन हम इसमें रखेंगे ऐसे 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 ही, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा बनाता है और इसका एरिया डेल्टा ए है, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये सरफेस नॉर्मल से थोड़ा एंगल ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे रखा हो, जैसे हम यहां खड़े हुए हैं और किसी पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, तो कैसे एंगल बनाओगे, हमारी बॉडी से, पूरे बॉडी से, मतलब आउटर सरफेस से आप बहुत सारी ऐसे भाले निकालोगे, भाले ठीक रहेंगे, और जाके एक जगह मिला दोगे, तो जहां पर ऐसे वो मिलेंगे ऐसे कंजर्व होंगे जाकर, कैसे मिलेंगे जाकर, वही तो एंगल होगा पूरा, इस प्रकार से एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया हम खड़े और हम ऐसे सरफेस घुमा दें, ऐसे थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, तो अगर ये सरफेस, दूसरी बात, तीसरी बात, इफ सरफेस इज मेकिंग मेकिंग एंगल थीटा विद नॉर्मल, अब ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, समझाए तुम दे रहे, दूसरे तरीके समझाए तो समझाए। देखो सरफेस ऐसे रखा हुआ था नॉर्मली, ये नॉर्मल था ना, अभी क्या हुआ, सरफेस ऐसे घूम गया थोड़ा सा, ठीक है, टिल्ट कर दिया गया, यानी अब सरफेस ऐसे टिल्ट कर दिया गया, नॉर्मल से कितना बना दिया गया एंगल, इसको थीटा बना दिया गया, ये एंगल था, डायग्राम को घूमना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये सरफेस हमने ऐसे थोड़ा घुमा दिया है, ये सरफेस, तो ये सॉलिड एंगल हम निकालेंगे डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा आएगा डेल्टा ए कॉस थीटा बना, ये बात समझ अभी नहीं आई है, इसे नोट करिए, दूसरा हम एग्जाम्पल देखिए समझ आ जाएगा पक्का, नोट करिए इसको, यानी सरफेस नॉर्मली रखा हुआ था, अभी यहां समझ सकते हैं, इसको ऐसे घुमा दिया, यानी अब सरफेस ऐसे हो गया, यहां की लेंथ, ठीक है, तो ये नॉर्मल, तो ये थीटा एंगल है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी तरीके से इसको समझिएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, सावधान, ये एक बुक है, हमने आपके सामने ऐसे रखी, ठीक है, और हमने कहा इस बुक को देखिए कि आपके ऊपर कितना सॉलिड एंगल बना रही है, यानी कि ये बुक हमने ऐसे ली और इस बुक को हमने ऐसे रख दिया आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां से यहां से ऐसे लाइन मिलाएंगे, ऐसे धागे बांध दीजिए, ऐसे लटका दीजिए और धागे आगे यहां जोड़ दीजिए, तो ऐसे धागे मिल जाएंगे जाकर, तो अगर मैं ये पॉइंट यहां ले लूं तो मैं कहूं कितना एंगल बनाएगा, तो आप यहां से इसको मिला देंगे, 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 तो पूरा सॉलिड एंगल कितना होगा, डेल्टा ओमेगा होगा, ठीक। ये बुक आपकी आंख के सामने बिल्कुल नॉर्मली
रखी हुई थी, इसको टू डायमेंशन समझा जाए, टू डायमेंशन। अब इस बुक को हम ऐसे उठाए दे रहे हैं, मतलब बुक ऐसे रखी थी, अब बुक को ऐसे उठाए दे रहे हैं, तो हम आप कह रहे हैं उसी पॉइंट पे कितना एंगल सस्पेंड करेंगे। जरा समझिएगा, ये बुक ऐसे रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी, हम दो पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां पर आकर के डेल्टा ओमेगा एंगल बना रहा था। अब इस बुक को उठा दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, यानी बुक अब ऐसे हो गई। अब बताइए अगर यहां से यही किनारा तो यहां आया हुआ है, ये किनारा उठ के यहां आया हुआ है ना, अगर इस किनारे को हम यहां आपकी आंख से मिलाएंगे तो क्या सॉलिड एंगल सेम बन रहा है? प्रैक्टिकली हम पूछ रहे हैं, लॉजिकल आप देख करके बता रहे हैं, कम हो गया ज्यादा हो गया? कम हो गया ना। क्यों कम हो गया भाई? कम इसलिए हो गया कि अब इस बुक का जो ये वाला पार्ट है ना, प्रोजेक्शन इसका, ये आपकी आंख पर एंगल बना रहा है ना। और आप जानते हैं अगर इसका एरिया डेल्टा ए है, ये एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन क्या होता है? ये वाला डेल्टा ए कॉस थीटा होता है ना, मालूम है ना प्रोजेक्शन? पक्का नहीं मालूम? देखो जरा, देखो वैसे तो ठीक है, वैल्यू हम याद कर लेंगे, हमको याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये एक वेक्टर ए है, ये बहुत बड़ा सा हो सकता है, पहले वाला ये वेक्टर है, और ये एक वेक्टर बी है। हमने कहा इस वेक्टर का इस लाइन पे प्रोजेक्शन बताओ, प्रोजेक्शन की शुद्ध हिंदी तो प्रक्षेप पे होती है, इतना सुन के ही बोले अंग्रेजी ठीक है, हिंदी वाले भी कहेंगे अंग्रेजी ठीक है, प्रोजेक्शन का परछाई मान लो, ठीक है। अब यहां से सीधे आप टार्च मारो, तो टार्च मारोगे तो बिल्कुल सीधे यहां टार्च मिलेगी, तो इसकी परछाई आपको इतनी दिखाई पड़ेगी, ये नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर मैं इस परछाई का नाम दे दूं Bx, क्या दे दूं? Bx वैल्यू उसकी, और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है? b, वैल्यू बता रहा हूं मैग्नीट्यूड, और ये एंगल है थीटा, तो अगर इस ट्रायंगल में आप cos थीटा लोगे तो बेस अपॉन है प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली Bx की वैल्यू क्या निकलेगी यार? बी cos थीटा। यानी इसका जो प्रोजेक्शन है इस लाइन को बी cos थीटा है, वैसे इस एरिया का जो ये प्रोजेक्शन है ये बी cos थीटा है, डेल्टा ए cos थीटा, तो एक्चुअली ये पार्ट आपकी आंख पे एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, इसलिए डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी? डेल्टा ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर कोई सरफेस नॉर्मली आपकी आंख के सामने रखा हुआ है और वो एंगल बना रहा है, तो अगर वो थीटा एंगल से घूम जाता है तो आपकी आंख पे कितना एंगल बनाएगा? डेल्टा ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने फिल्म इंटरटेनमेंट देखी होगी, जो ये फ्लक्स आपको दिखाई नहीं पड़ता, देखिए ना कुत्ते वाली पिक्चर की, कुत्ते को मारने के लिए वो फ्रिज में करंट पास कराते हैं, तो चूंकि कुत्ता पढ़ा लिखा हमारे तरह होगा तो वो जान जाता है, वो जाता पानी निकाले तो स्विच ऑफ कर देता है, वो जब निकाले जाते स्विच ऑन कर देता है, और स्विच ऑन करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स उनके शरीर से गुजरती है जो कि दिखाई पड़ती है, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब बिजली चमकती है तो आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स दिखाई पड़ती है, चमकती है, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो किसी सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो प्रैक्टिकली उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पहली बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक मतलब ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ये करता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स कितनी डेंस है या कितनी दूर दूर है। दो चीजें है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स डेंस भी हो सकती है और दूर दूर, उल्टा उल्टा डेंस भी हो सकती है और दूर दूर भी हो सकती है। दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस रखा, हमने कहा इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरी 10, और आपने बड़ा सरफेस रख दिया, बोले इलेक्ट्रिक लाइन गुजरी 100, यानी दो बातों एरिया पर डिपेंड करता है। उस फील्ड में बहुत सारा, अगर बड़ा सा सरफेस रखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी, कम रखोगे तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मेजर कैसे किया जाए? तो मेजर करने का तरीका ये है, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेंस, स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग वीक मतलब नंबर ऑफ लाइन्स की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा हमने कहा एरिया कितना है, तो दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये एक सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब इलेक्ट्रिक लाइन्स इसे गुजरेगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स को हमने अब कैसे इधर की हो सकती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स हमने यहां से ऐसे गुजार दिया, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है,
ये इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरी। अब सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है ना वो किसी चार्ज ने क्रिएट की होंगी, वो कहीं बाहर पर्दे के पीछे होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरी, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरी वही फ्लक्स होता है, गिन के बताना है, गिन तो सकते नहीं। तो आपने क्या किया, इसका छोटा सा सरफेस लिया, छोटा सा डीएस सरफेस या एरिया एलिमेंट कह सकते हो, और वो डीएस कैसे दिखाओगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इससे एंगल कितना बना रहा है ये थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट जो भी आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से नोट करते हैं, समझ लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए फाई ई लिख देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक भी आएगा अभी, और स्मॉल है इसलिए डी लिख देंगे, स्मॉल के लिए डेल्टा यूज किया जाता है, वेरी स्मॉल के लिए डी यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है, ये ई डॉट डी एस इतना छोटा सा फ्लक्स। अब अगर आप पूरे सरफेस से निकालना चाहते हैं तो नियम तो ये है कि अलग अलग जगह छोटे छोटे सरफेस बनाओ, पूरे सरफेस में सबसे फ्लक्स निकालो और सबको उठा के ऐड कर दो, इंटीग्रेट की बात ही आनी आ रही है। तो जब हम इंटायर सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस इसको फाई ही लिख दिया, तो इस छोटे से फ्लक्स को आप सिग्मा लगा दीजिए, सम कर दीजिए, सम को ही मैथमेटिक्स की भाषा में इंटीग्रल कहते हैं। आप दोनों को दिक्कत हो रही है, कल से तुम मेरे पास बैठना नहीं कर, ठीक है, कल से ध्यान रखना तुम्हारी जगह ये फिक्स है, मतलब तुम बैठना चाहना, इसको हमने सिग्मा लगा दिया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल तीन तरीके के हमने बताए थे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रल, एरिया को प्लस किया है ना, इस प्रकार से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस लगा देंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्लोज क्या लगा सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल अब आपको मालूम इसको ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो इसमें इंटीग्रल किसका हो रहा है, डीएस का, भाई सब किसका करोगे, जैसे छोटे छोटे पार्ट आपने किए हैं, ठीक है, तो आप ई और ई कॉस थीटा को बाहर कर लो, ई कॉस थीटा, और जब आप इंटीग्रल डीएस का करोगे इसको तो टोटल एरिया, और टोटल एरिया आपने इसकी कितनी मान रखी है, एक, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, सुन रही बात, नोट करिए। देखिए बात हो रही गॉस थ्योरम की, गॉस साहब ने क्या थ्योरम दी, गॉस साहब ने कहा अगर किसी चार्ज को किसी सरफेस के अंदर बंद कर दी, सरफेस के अंदर बंद कर दी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी, और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लिया कोई, आपने देखा हो घर में झाड़ू होती है ना, एक होती है फूल झाड़ू, एक तार वाली झाड़ू होती है, देखा ना, और कोई मुंह खोले आया और झाड़ू घुसर दो उसके मुंह में, तो हो सकता है पूरी सीख है उसके मुंह में घुस जाए, हो सकता है 8-10 घुसे, ये किस पर डिपेंड करता है, मुंह के एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि झाड़ू फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ मुंह, समझ गए। अच्छा ये भी हो सकता है कि चारे घुसे, क्यों झाड़ू ही टूटी हुई थी, 5-6 सीखे थे उसमें, यानी इस पर भी डिपेंड करता है कि झाड़ू कितनी ठोस बंधी हुई है, यानी किस पर डिपेंड करता है, झाड़ू की सीखों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको झाड़ू फ्लक्स कहते हैं, और उसके मुंह में डालो और इसे इसे झाड़ू आगे पीछे करो, यानी क्या चेंज हो रहा है, झाड़ू फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स आगे पीछे करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होता ही नहीं होता है, झाड़ू किसी मुंह में ना चलना लगे कि अब कोई घर में जरा कोई सीख गए, जैसे वो कौन से एडिसन साहब थे, उन्होंने कहा चिड़िया उड़ती, बोले क्यों, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती तो उड़ती होंगी, उन्होंने शब्द कीड़े मकोड़े खाने से लोग उड़ने लगते हैं, तो उन्होंने कीड़े इकट्ठे किए, पीसा, पेस्ट बनाया, अपने काम करने वाले से कहा पीलो तुम उड़ने लगोगे, अब वो भी समझे कि हम उड़ने लगेंगे, पी भी लिया, बीमार पड़ गई, उड़ी तो नहीं लेकिन नीचे तो उड़ने लगी, ये प्रैक्टिकल न करिएगा। तो गॉस साहब ने कहा इफ एनी चार्ज इज प्लेस इन साइड अ क्लोज सरफेस,
देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू द सर्फेस। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना, तो बोले भैया देखो जितना चार्ज होगा उतना फ्लक्स होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चार्ज कोई रखा हुआ है जिसको हम रखेंगे क्या प्लस, क्योंकि हम इम्पोर्टेंस ही प्लस को ही देते हैं। प्लस माने धन, धनी। आप यहाँ अगर शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होगा, सबसे पहले फोन किसको करोगे, जिसके पास बढ़िया गाड़ियां चार्ज होंगे, ऊपर बता दियो आयो जरूर दादा 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 आएंगे। और जो सबसे गरीब होगा बेचारा, मास्टर मिस्ट्री करता होगा, उसको सबसे बाद में बताएंगे, पहले बता देंगे। सही कह रहे, नहीं हम सही कह रहे हैं। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंस किसको दी गई, तो उन्होंने कहा किसी सर्फेस से। जरा समझिए, अब इसके चारों ओर हमने चार्ज रखा, इसके चारों ओर उसको बंद करना है। बंद कैसे करें, तो बंद करने के लिए हमारे पास कोई भी शेप हो सकता है, इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो जिस सर्फेस से हम बंद करेंगे उसको हम कह दें गॉसियन सर्फेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सर्फेस। तभी बनाइएगा, नहीं क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा लोचा है, वो हम बता देंगे तब बनाइएगा। इसको क्या कहते हैं हम, गॉसियन सर्फेस। तो हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इसमें, फाई, जिसको कि हम क्या पढ़ते हैं, ई डॉट डीएस। क्योंकि सरफेस क्लोज है, इसलिए कौन सा इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। इसके किस पर डिपेंड करता है, उन्होंने कहा चार्ज पर डिपेंड करता है। बस सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो कौन, चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लक्स, लेकिन मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, मीडियम उसको कम ज्यादा कर देता है। तो मीडियम ने उसको क्या कर दिया, वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स कर दिया। तो गॉस की थ्योरम क्या बोली, कि एनी इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज द वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज, नेट चार्ज इंक्लोज। क्यों, यहां पर क्या है, ये नेट चार्ज है, नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। ये तो आपकी गॉस थ्योरम हुई जाकर की, स्टेटमेंट समझ में आ गया। स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो, स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी लिखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू। जहां पर नेट चार्ज लिखा है ना, उस नेट चार्ज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड गिवन बाय, दिस इज द फार्मूला। ये यहां पर फार्मूला, इसको फाई कहते हैं, जानते हैं, ई डॉट डी एस कहते हैं, उन्होंने कहा ये वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है। हवा में कोई ये प्रूफ नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेगी, इससे सिंपल सी बात है। लेकिन मीडियम की परमिटिविटी के हिसाब से मीडियम उसको क्या कर देता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देता, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा लफड़ा, सावधान। या एक लफड़ा ये आ रहा है कि हमने जो जिस सरफेस से इसको घेर रखा है ना, ये इरेगुलर शेप का सरफेस है। अब जो फ्लक्स प्रूफ करने का तरीका हमारे पास है, वो तरीका ये क्या है, कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लीजिए, कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट लीजिए और वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराइए, और वहां का एरिया एलिमेंट लीजिए, उसके बीच का एंगल लीजिए और ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा वन कर दीजिए, और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी, ये हुआ ना। इसके बाद और कहीं लीजिए एरिया एलिमेंट, वहां डीएस लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, थीटा लीजिए, तो बताइए हर जगह थीटा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा हो रहा है ना, तो हर जगह थीटा चेंज हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करने की दिक्कत हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी ना, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, वैसे तो हम उससे भी कर रहे हैं, सॉलिड एंगल से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि शेप चाहे जितना इरेगुलर हो, टोटल सॉलिड एंगल जो होता है सेंटर पे 4π होता है,
अगर कोई क्लोज शेप का सरफेस है चाहे ऐसा हो, अल्टीमेटली जो पूरा एंगल बनाएगा वो 4π का बनाएगा, तो उससे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भैया ऐसा करो, सरफेस ऐसा लो जिसमें या तो एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल फिक्स हो जाए पूरे सरफेस में, बढ़िया चीज है, और ना फिक्स हो तो कम से कम दो चार जगह चेंज हो रहा जो आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर एक कमरा है, इसमें हम यहां चार्ज रख दें और इस चार्ज को इस कमरे के शेप से हम बंद कर दें, बंद हो गया, सरफेस क्लोज हो गया। इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ, तो एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कितना हो गया? जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दीवार में, एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ, थीटा जीरो, हर जगह जीरो हो गया। ऐसे ले लो, स्फीयर ले लो, यानी कुल मिलाकर के गॉसियन सरफेस कैसा लीजिए जो रेगुलर शेप का हो, केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो हमने ये वाला शेप फिलहाल यहां से नहीं, हमने ये नहीं कहा ले नहीं सकते आप, ले सकते हैं, नहीं लेंगे। तो हमने कहा कि सपोज अब चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द पॉइंट ओ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कहां पे? कहीं पर भी आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो इस चार्ज से डिस्टेंस आर पे कहीं पॉइंट हो सकता है ना चारों तरफ। तो हमने क्या किया, उस चारों तरफ पॉइंट को सब क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। तो ये गॉसियन सरफेस है। कैसी शेप है इसकी? ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर से कहां निकल लोगे? तो मम्मी ने कहा दूध ढक दीजिए, जाके चूड़ी ढक दिया हमने, कोई चीजें अगर ढक दे रखना, लड्डू को, लड्डू पे चूड़ी रख दिया और ढक दिया, तो ढक क्या उसको राउंड कर दिया, उसको आप फुटबॉल बॉल रख दीजिए। तो ये है गॉसियन सरफेस। क्या है? गॉसियन सरफेस। अब इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। तरीका क्या होता है? हमने इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, और हमने कहा ये डीएस एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया एलिमेंट है। अब बताओ, और ये आर डिस्टेंस हमने लिया है पॉइंट पी पे। अब बताइए इस छोटे से सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, समझाया हम कर क्या रहे, ठीक है। तो टी फाई ई क्या फॉर्मूला होता है? ई डॉट डीएस, ई और डीएस के बीच एंगल कितना है? हर जगह जीरो होगा। आप इस तरह पे कहीं भी ले लीजिए पॉइंट, हर जगह जीरो होगा, इसीलिए हमने सिमेट्री लिया। ये कंपल्सर नहीं है, ये केवल अपने कन्वीनियंस के लिए लिया गया। तो ये हो गया ई डी एस कॉस जीरो, यानी ये क्या हो गया? ई डी एस, ठीक है। अच्छा, ये आपने छोटे से सरफेस से निकाला। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? इसकी वजह से। कहां पर? पी पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/4πε0Q/r² × ds। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू स्मॉल सरफेस हो गया। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस। तो जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस, तो क्या करेंगे? इंटायर सरफेस, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको नोट करिए, फिर इंटीग्रेट कर। अब देखिए, तो टोटल जब हम फ्लक्स निकालेंगे क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू, इसको क्लोज इंटीग्रल कर दें, ई डॉट डी एस, ये तो फार्मूला हो गया, और ये क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल, ये फार्मूला रख दिया जाए, 1/4πε0Q/r² × ds। अब इंटीग्रल किसका होगा? इंटीग्रल को डीएस का होगा ना, तो क्या करेंगे इसको? क्लोज इंटीग्रल, सॉरी, आप क्यू अपान 4πε0 × r² ds का वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रल 4πr² तो साथ साथ दिख रहा है 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कॉस थ्योरम कोई जाकर के ठीक देखिए। अब आपने इतना कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। अगर मैं काफी चेक कर रहा हूं तो मैं एक नंबर काट लूंगा। बोले क्यों? ऐसे राइटिंग का टीचर नंबर काट देता है, ठीक है। इसमें एक और चीज बताएंगे, बताना पड़ेगा आपको, नोट कर।
उन्होंने कहा कि क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। अगर ये जो चार्ज आपने रखा है ना तो सरफेस के आउटसाइड रखे तो फ्लक्स कितना होगा, देन फ्लक्स विल बी जीरो, तब फ्लक्स जीरो। इसको दो तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। साइंस कहती है देखो भैया इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरे और उधर से निकल जाए, कमरे में कौन बचा, कोई नहीं, अंदर घुसे बाहर निकल गए, कमरे में कौन बचा, जीरो। समझ में आ गई बात। पहला तरीका, पहला तरीका यह है किसी सरफेस में कोई भी शेप ले लो, किसी सरफेस में चार्ज यहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स गई बाहर निकल गई, अंदर कितनी बची, जीरो। पहला तरीका याद करें, समझ में आ गया। मैथमेटिकली मैं समझाता हूं, देखिए मैथमेटिकली ये है कि भैया देखो ध्यान से, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रहा है, इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन्स अंदर की ओर एंट्री मार रही है और इस सरफेस का जो एरिया एलिमेंट है वो कहीं बाहर की तरफ होगा ds1, ठीक है, और ये इसका एंगल होगा थीटा वन। तो अगर इस सरफेस से हम फ्लक्स निकालें डी फाई वन तो ई डॉट डी एस वन होगा, क्योंकि ये जो थीटा है ना, जब मैं ई डी एस वन कॉस थीटा लिखूंगा तो ई डी एस वन कॉस थीटा वन आएगा, तो ये एक्चुअली निगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं है आएगी ना, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। अच्छा मैं जब इधर सरफेस की बात करूंगा, इधर सरफेस का एरिया एलिमेंट इधर की तरफ होगा तो ये एंगल थीटा टू होगा, तो अगर दूसरे सरफेस से आप निकालें डी फाई टू तो ये ई डी एस टू कॉस थीटा टू आएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी नहीं होगी। अगर मैं इस सरफेस के का आधा पार्ट कर दूं तो सिंपल सी बात है, आधा का एरिया एलिमेंट इधर की ओर होगा, आधे का एरिया एलिमेंट उधर की ओर होगा, तो आधा निगेटिव होगा आधा, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैथमेटिकली भी जीरो हो रहा है और फिजिक्स की भाषा में जीरो हो रहा है। फिजिक्स कहती है किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन गई बाहर निकल गई तो अंदर कोई लाइन नहीं बची, बोले अंदर तो गई, अंदर ही हमने देख लिया तो चाची आई रहे, अब वो चाची आई रहे मम्मी को बता दिया हमने, लेकिन वो नहीं माना जाएगा, चाची आई रहा है वो बाहर गई तो अंदर नहीं मानी जाएंगी, लेकिन हमने तो देखी तो हमने मेथमेटिकली प्रूव कर दिया। सुनना क्या, ये गॉस थ्योरम है।